नमस्कार, मैं नेहा कुमारी और आप देख रहे हैं नेशन टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। बैंक मोड़ पुलिस ने दो सातीर अपराधियों को एक कट्टा दो जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए अपराधी पहले भी कई आपराधिक कांड कर चुके हैं। वाहन चेकिंग के दौरान बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के मटकुरिया चेकपोस्ट के निकट थानेदार सुरेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने एक कट्टा दो जिंदा कारतूस के साथ दो सातीर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने उनका बाइक भी जब्त किया है। डीएसपी विधि व्यवस्था मुकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि पकड़े गए अपराधियों के नाम इमाम उल अंसारी उर्फ छोटा नेता एवं दीनानाथ सोनार है। दोनों बोकारो जिले के रहने वाले हैं। इनके ऊपर पहले से हत्या, चेन छिनाई, लूट समेत कई मामले दर्ज है। ये लोग कई दफा जेल जा चुके हैं। धनबाद के अलावे बोकारो, रामगढ़, रांची समेत कई जिलों में उन्होंने अपराध की घटना को अंजाम दिया है। इन दोनों सातीर अपराधियों का पकड़ा जाना धनबाद पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। बताया जाए सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है, बहुत ही अपने अधीक्षकों को सूचना मिली थी कि कुछ अपराध कर्मी मोटरसाइकिल से हथियार लेकर जा रहे हैं। इसी सूचना के आलोक में थाना परिवहन के द्वारा वहां पर मटकुरिया कुछ चेकिंग लगाए गए। चेकिंग क्रम में जो चेकिंग लगाए तो पदाधिकारियों ने देखा कि एक मोटरसाइकिल वहां से यू टर्न करके भाग रहा है, तो उसको खदेड़ करके पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उसका सर्च किया गया। सर्च करने के बाद उसके पास से एक देसी कट्टा और दो 350 का कारतूस बरामद हुआ। बाद में उसको बुलाकर थाना पर पूछताछ किया गया तो पता चला कि ये जो चेन छिनताई का काम पिछले दो केस में जो बैंक में महिला के साथ दो चेन छिनताई थी उसकी घटना में ये लोग यही लोग किए हैं कि वो सोने का चेन छिन के जो भाग गए हैं। ये पहले भी इस तरह का केसेस कर चुके हैं। इनके विरुद्ध धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो जिला में कुल 9 कांड इनके विरुद्ध दर्ज हैं, जिसमें आम थ्रेटी केसेस भी और छिनताई के केसेस हैं। इससे पहले भी ये हम लोग का हाउसिंग कॉलोनी में ये चेन छिनताई का में जेल जा चुका है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो चेन छिनताई हो रही थी धनबाद में वो उस पर हम लोग रोक लगा पाए। और क्या क्या आपराधिक इतिहास है इन लोगों का? इनके विरुद्ध सभी लगभग 9 केसेस हैं धनबाद और बोकारो मिलाकर के। इसमें कुछ रामगढ़ में भी केसेस और कुछ हजारीबाग में भी। और इनके पास जिस मोटरसाइकिल से चेन छिनताई की गई वो भी बरामद हो गया। इनके गिरोह में कुल कितने अपराधी और ये दो ही लोग हैं। एक ये है, एक सोनार है, एक चेन छिनताई खेलने वाला है। और जो सोनार है उसको तुरंत सोने को गला करके वो लोग बंगाल में कहीं डिस्पोज कर रहे हैं। ये लोग किस थाना क्षेत्र के निवासी हैं सर? ये लोग बोकारो के पिंडरा जोड़ा थाना के रहने वाले।